डिस्कस अबाउट वेनेशन वेनेशन ऑफ लीफ जैसा कि हम लोगों ने देखा है जैसे मैंने बताया था लीफ के बारे में भी मेरा एक वीडियो है तो लीफ में मैंने बताया था कि लीफ के जो ये सर्फेस होता है इसको बोलते हैं लेमिना तो लेमिना में जो रिप्स दिख रहे हैं ना लम्बे से रिप्स हैं यहाँ पर और, और यहाँ पर भी है तो इन ये वेंस होते हैं ये होते हैं लीफ के वेंस जिसके थ्रू मिनरल एंड वाटर सर्कुलेट होता है हमारे लीफ में तो लीफ में जब ये जो अरेंजमेंट ऑफ वेंस है वेंस के अरेंजमेंट को ही वेनेशन कहते हैं लीफ में वेंस के अरेंजमेंट को ही वेनेशन कहा जाता है सो द डेफिनेशन ऑफ विनेशन इज द अरेंजमेंट ऑफ द वेंस इन द लैमिना ऑफ द लीफ सरफेस इज़ कॉल्ड वेनेशन देर आर टू टाइप्स ऑफ वेनेशंस दो तरह के वेनेशंस होते हैं वेटिकुलेटवेनेशन एंड पैलेलविनेशन दो तरह के विनेशन होते हैं दैट इज वैटिकुलेटविनेशन एंड पैलेलविनेशन वेटिकुलेट वेनेशन में थ्री टाइप्स होते हैं यूनिकोस्टेट मल्टीकोस्टेट कन्वर्जेंट मल्टीकोस्टेट डाइवर्जेंट एंड पैलेविनेशन में भी आ, आ, सेम टाइप्स होते हैं नेम सिमिलर होते हैं बट पैलेल होने का डिफरेंस होता है एंड द टाइप्स आर ऑलरेडी सिमिलर विच इज़ यूनिकोस्टेड मल्टी कोस्टेड कन्वर्जेंट मल्टीकोस्टेड डाइवर्जेंट अब मैंने यहाँ पे दो और टर्म शो किया हुआ है दैट इज़ पिननेट एंड पारमेट पिननेट बेसिकली मैं आपको दिखाने वाली हूँ कंपाउंड लीफ मैंने आप बताया था आपको मैंने बताया था कंपाउंड दिस इज द कंपाउंड लीफ कंपाउंड लीफ में मैं बताया था कि ये जो छोटे छोटे लीव्स जो साइड बाई साइड होते हैं इसी को पिननेट कहा जाता है ये स्मॉल लीव्स द अरेंजमेंट ऑफ स्मॉल लीफ इज कॉल्ड पिननेट दिस इज द पिननेट ओके एंड हमने मैंने डिस्कस किया था कि बताया था कि दो टाइप के लीफ होते हैं पहला होता है सिंपल लीफ एंड अनदर इज द कंपाउंड लीफ तो कंपाउंड लीफ में जो इस तरह का अरेंजमेंट uh, होता है लीफ का उसे पिननेट कहा जाता है ये स्मॉल लीव्स में होते हैं साइड्स में अब एक दूसरे के अपोजिट भी हो सकते हो और एक दूसरे के साथ भी हो सकते हैं तो पिनेट क्योंकि हमारा सिंपल लीफ जो होता है उसके इंसर्शन उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंसर्शन होते हैं मिड मार्जिन की तरफ से मैंने जैसा आपको बताया था कि लीफ में जो ये इसका पार्ट होता है साइड का जो पार्ट होता है इसे कहते हैं मार्जिन और मार्जिन के थ्रू ही इंसर्शन धीरे धीरे होते होते ये छोटे छोटे लीव्स में बदल जाते हैं छोटे छोटे लीव्स में बदल जाते हैं पहले इंसर्शन यहाँ से शुरू होता है थोड़ी दूर तक यहाँ तक आता है ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीफ में होता है ये एक ही तरह के लीफ में नहीं होता है। ये अलग अलग पौधों के अलग 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 पौधों की लीफ में होता है कुछ आपने देखा होगा कुछ कुछ लीफ के जो इंसर्शन होते हैं वो मिड मिड्रिप से स्टार्ट होते हुए यहाँ तक आते हैं कुछ यहाँ तक यहाँ तक होंगे कुछ यहाँ तक होंगे जैसे कि हमने सरसों का साग देखा या गाजर के पत्ते देखे होंगे तो इसमें देखा होगी हल्का हल्का सा इंसर्शन होता है और धीरे धीरे वो इंसर्शन बढ़ते बढ़ते जब काफ़ी अंदर तक चला जाता है यहाँ तक चलाता तो वो इस तरह का हो जाता है कंपाउंड लीफ की तरह और इसी को कहा जाता है पिनेट ठीक है तो हमारे यानी कि हमारा सिंपल लीफ ही कन्वर्ट होकर यानी कि मिड्रिव का इंसर्शन बढ़ते हुए अंदर तक जब जाता है तो यही कन्वर्ट होकर के इस कंपाउंड लीफ या पिनेट लीफ में चेंज हो जाता है सो दिस इज़ द सिंपल लीफ एंड दिस इज़ द कंपाउंड लीफ तो ये जो मैंने यूनिकोस्टिट बताया यूनिकोस्टेड यानी कि ये जो इसका जो मेन मिडरिप है ये सिंगल होता है ये सिंगल हो रहा है और इसमें से सारे वेंस जो है नेक्स्ट वेंस जो है वो कहीं से भी निकल रहे हैं यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ से निकल रहा है ऐसे ये हो गया यूनिकोस्टेड दैट मीन्स कि यूनिकोस्टेड ये रेटिकुलेट वेनेशन के अंदर अगर आता है रेटिकुलेट दैट मीन्स जाल रेटिकुलेट मतलब होता है जाल के जैसा पूरे वेंस का फैलाव यानी कि वो जाल में मतलब कहीं भी वेंस जो होंगे वो कहीं से भी निकलेंगे और एक नेट जैसा एक आपको देंगे फीलिंग कि ये नेट जैसा दिख रहे थे कि यहाँ पे देखिए ये यूनिकोस्टेट है दैट मीन्स कि एक मिड रिप जा रहा है और ये जो नेक्स्ट जो इसके वेनलेट्स निकल रहे हैं ये सिंपल यहाँ से निकल रहे हैं देखो यहाँ से एक यहाँ से निकला एक यहाँ से निकला वन कम फ्रॉम दिस साइड एंड आदर फ्रॉम दिस साइड ओके सो दिस इज़ नॉट द पैल वन दिस इज द रेटिकुलेट और इसमें यहाँ पर से कहीं से भी वेनलेट्स निकल रहे हैं एंड दिस इज कॉल्ड रेटिकुलेट वेनेशन क्योंकि ये हमारा यूनिकोस्टेट में आ जाता है पीपल का जो ये लीफ है ये एग्जाम्पल हो जाएगा यूनिकोस्टेट का अंडर द रेटिकुलेट वेनेशन टाइप तो इस तरह तो से हम देख रहे हैं कि ये मिड रिब है और साइड्स में जो वेनलेट्स निकल रहे हैं वो रेट जाल के जैसे निकल रहे हैं दैट इज दैट्स वाई इट कम्स अंडर रेटिकुलेट वेनेशन इन टाइप ऑफ यूनिकोस्टेट नेक्स्ट तो मैंने एक टर्म बताया पहला था पिनेट नेक्स्ट है पालमेट पालमेट दैट मीन्स जो होता है वो हैंड के पालमेट दैट मीन्स हैंड के जैसे जिसका हैंड uh, के जैसे जिसका uh, 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 जो लिफ्ट uh, जो, जो होता है वो हैंड की तरह दिखता है और जस्ट हैविंग शेप सिमिलर टू दैट ऑफ हैंड विद द फिंगर्स सिमिलर टू दैट ऑफ हैंड विद द फिंगर्स ठीक है तो इसमें इसका बेसिकली पालमेट यानी कि पाम हमारे मैं अपने हाथ को क्या बोलते हैं ये हमारा जो हाथ है इसको बोलेंगे पाम और फिर जो हमारे लीफ भी जो होता है वो बिल्कुल पाम की तरह नहीं हमारे हैंड की तरह दिखता है एंड द डेफिनेशन ऑफ पालमेंट लीफ डिवाइड टू सेवरल लीफ लेयर्स व्हिच अराइज एट सेम पॉइंट हैविंग शेप सिमिलर टू हैंड विथ फिंगर्स तो मैं इसे आपको दिखाऊँगी भी और हम आगे इसके बारे में डिस्कस भी करते हैं तो मैंने जैसे कि फिर से मैं एक बार रिवाइज कर देती हूँ कि रेटिकुलेट फिनेशन के अंदर थ्री टाइप्स होते हैं यूनिकोस्टेड दैट इज पिनेट में होगा मल्टी कोस्टेड ये पैलमेट पैलमेट के अंदर आएगा मल्टी कोस्ट कन्वर्जेंट मल्टी कोस्टेड डाइवर्जेंट और पैलल विनेशन के अंदर भी सेम टाइप्स होंगे विच इज़ यूनिकोस्टेड मल्टी कोस्टेड कन्वर्जेंट एंड मल्टीकोस्टेड डाइवर्जेंट तो इस तरह से ये हम टाइप देख रहे हैं वेनेशन का अब नेक्स्ट में इसके सारे में एग्जांपल और आ, लीफ और आ, लीफ और फिगर्स के थ्रू आपको शो करूँगी कैसे ये सारे एक दूसरे से डिफरेंट डिफरेंट है सो एज यू कैन सी दीज आर द टाइप्स ऑफ रेटिकुलेट वेनेशन यूनिकोस्टेड मल्टी कोस्टेड कन्वर्जेंट मल्टीकोस्टेड डाइवर्जेंट यूनिकोकोस्टेड इसके बारे में मैंने पहले भी बताया कि ये आता है पीपल यानी पीपल का लीफ आता है यूनिकोस्टेड टाइप के अंदर अंडर द रेटिकुलेट वेनेशन मैंने जैसे इसके बारे में डिस्क्रिप्शन ऑलरेडी दिया दे दिया कि ये हमारा मिड रिब है और इसमें ये जो नेक्स्ट वेनलेट्स निकल रहे हैं वो कहीं से भी निकल रहे हैं दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड यूनिकोस्टेड यूनिकोस्टेड एंड यूनिकोट मीन की वन मिड्रिप ओनली वन मिड्रिप यहाँ से निकल रहा है एंड वेनलेट्स जो है वो जाल की तरह कहीं से भी निकल रहे हैं दैट्स वाइट इट इज कॉल कॉल्ड यूनिकोस्टेड नेक्स्ट मैंने बताया मल्टीकोस्टेड कन्वर्जेंट मल्टीकोस्टिड कन्वर्जेंट के अंदर आता है हमारे पास ये हमारा देखिए ये जस्ट इट इज इट इज द लीफ ऑफ जिजिफस जिजिफस यानी कि इसे हम लोकल लैंग्वेज में इसे हम तेज़ पत्ता भी बोलते हैं जो हमारे किचन में आसानी से मिल जाता है तो इसमें ये हमारे ये अंड, ये जो इसके जो पत्ते होते हैं वो आते हैं मल्टी कोस्टेड कन्वर्जेंट के अंदर अब कैसे आते हैं जैसे कि आप यहाँ पे फिगर में देख रहे हो कि इसमें यहाँ पर से मल्टी कोस्टेड दैट मीन्स कि यूनिकोस्टेड में एक वेन निकला था ये इसके बेस से लीफ बेस से बट यहाँ से आप देख रहे हो कि इसमें ढेर सारे मिडरिप्स या वेंस जो हैं वो एक सिंगल बेस से निकल रहे हैं ऊपर की तरफ जा रहे हैं और ये इस, इसलिए इसको कहते हैं मल्टी कोस्टेड इसलिए इसको कहेंगे मल्टी कोस्टेड क्योंकि यहाँ सिंगल बेस से सारे के सारे जो वेंस uh, हैं वो निकल रहे हैं और फिर वेनलेट्स इसके अंदर से निकल रहे हैं और ये एक ही बेस से बहुत सारे वेंस निकल रहे हैं दैट्स वाईट इज कॉल्ड मल्टी कोस्टेड कन्वर्जेंट और इसके अंदर एग्जाम्पल्स जो आता है वो तेज़ पत्ते का आता है या जिजिफस बोलते हैं इसका बॉटनिकल निकलने में आता है जिजिफस और इसमें भी आप देख रहे हो कि यहाँ पर से देखो ये लीफ, लीफ बेस है और वहाँ से ढेर सारे वेन्स ये निकल रहे हैं ये मिड्रिप हमारा एक जो बीच का बीच का जो वेन इसको मिड्रिप बोलेंगे और इसके बाद से साइड से जो वेनलेट्स निकल रहे हैं वो सीधे नीचे बेस से निकलते हुए ये ऊपर की तरफ जा रहे हैं और ये इसके पैरेलल ही जा रहे हैं लेकिन इसमें जो नेक्स्ट वनस निकलेंगे वो जो होंगे वो कहीं से भी निकलेंगे और ये देखिए आप देख रहे हैं क्योंकि ये कहीं से दोनों एक दूसरे से पैरेलल नहीं है मतलब यहाँ पर देखो ये एक यहाँ से निकला और एक यहाँ से निकला दैट्स वो कॉल्ड मल्टी कोस्टेड नेक्स्ट हमारा जो आता है वो है मल्टी कोस्टेड डाइवर्जेंट और ये हमारा हमें मिलेगा पपाया लीफ में ये आएगा पपाया लीफ और यहाँ पर जैसे कि आप देखते हो मल्टी कोस्टेट है मल्टी कोस्टेट मैं हम लोगों ने जिदीफक्स में भी देखा या तेज पत्ते में भी देखा और ये हमने देखा मल्टी कोस्टेड डायवर्जेंट डायवर्जेंट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें जो है लोब्स बन रहे हैं यानी कि यहाँ देखो पाल ये आएगा पालमेट के अंदर ये आएगा पालमेट के अंदर देखो इसका जो सी द लीफ इज लुक लाइक आ हैंड ओके लीफ इज़ लुक लाइक अ हैंड एंड यू कैन सी द लोब्स Five lobes lobes are here, and here this is the first, second, third, fourth, and five. Okay, there uh, can be um, uh, more lo lobes in this leaf. And see, you can see the leaf of. Uh, I've brought the leaf, and this is the leaf of papaya. ये papaya का leaf है, और इसमें जैसे कि आप देख सकते हो, multi costed है, क्योंकि यहाँ पर same base से धेर सारे veins निकल रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हो आप, look at here. यहाँ पे ढेर सारे वेंस इस तरह से निकल रहे हैं और वेन्स से निकलने के ये नि... और ये सारे जो वेनलेस से ये कहीं से भी निकलते दिस इज नॉट द पैरल ये कहीं से भी निकल रहे हैं और इसलिए ये आता है मस्त मल्टी कोस्टेड मल्टी कोस्टेड डाइवर्जेंट क्योंकि इसमें सारे लोब्स अलग अलग दिख रहे हैं वन टू थ्री फोर फाइव एंड पालमेट क्योंकि ये पाम की तरह दिखता है ये हैंड की तरह दिखता है हमारे जस्ट लाइक अ फिंगर्स यू कैन सी ऑल द लोब्स लुक लाइक लुक्स लाइक अ फिंगर ये फिंगर की तरह दिख रहा है इसे फाइव हमारे फिंगर होते हैं उसी की तरह यह दिख रहा है इससे सिर्फ पालमेट कहा जाता है और ये हमारा आता है रेटिकुलेट विनेशन के अंदर मल्टी कोस्टेड डाइवर्जन मल्टी कोस्टेट क्यों मैं अगेन एक्सप्लेन कर रही हूँ इसलिए क्योंकि इसके अलग अलग वेनलेट अलग अलग वेंस निकल रहे हैं सेम बेस से और अलग अलग लोब्स भी डाइवर्जेंट क्योंकि अलग अलग लोब्स बन गए हैं इसमें कन्वर्जेंट क्योंकि ये एक ही लोब्स एक ही इसका अपेक्स है एक ही अपेक्स दिख रहा है और इसमें फाइव डिफरेंट अफ, अपेक्स है यहाँ पर देखो ये भी है ये भी है ये भी है दैट्स वाट इज कॉल्ड मल्टीकोस्टेड डाइवर्जेंट अंडर द रेटिकुलेट वेशन रेटिकुलेट दैट मीन्स जो वेंस का जो फॉर्मेशन होगा वो जाल की तरह होगा वेंस का जो फॉर्मेशन होगा वो जाल की तरह होगा सो so, नेक्स्ट हमारे पास है पैरेलल पैरलेलेशन सो द नेक्स्ट वेनेशन टाइप ऑफ वनेशन इज पैरेलल पैरलेनेशन पैरेलल वनेशन के अंदर के अंदर अगेन सेम टाइप्स आते हैं यूनिकोस्टेड मल्टीकोस्टेड कन्वर्जेंट एंड मल्टीकोस्टेड डाइवर्जेंट फर्स्ट यूनिकोस्टेड में क्योंकि ये पैरेलल वेनेशन है सो ऑल द वेन्स विल बी पैरेलल जो वेन्स होंगे वेनलेट्स होंगे ये पैरेलल होंगे एक दूसरे के तो फर्स्ट जो हमारे पास इसका इस एग्जांपल यूनिकोस्टेट का ये है काना इंडिका ये हमें अक्सर साइड्स रोड साइड्स में दिखने को मिल जाता है जहाँ काफ़ी सारा पानी होता है ये उस ये उसका आ, ये लीफ है और इसका जो वेनेशन होता है वो सेम यूनिकोस्टेट होता है इसका यूनिकोस्टेट में पैरलेल वनेशन के अंदर आता है इसमें जैसे देख रहे हैं यूनिकोस्ट तो ऑब्वियसली इस, इसमें जो इसका जो मिड्रिप होगा वो वो बिल्कुल ही आ, आ, ए, सिंगल मिड्रिप होगा और ये एक अपेक्स की तरफ जाएगा बट इसके जो लास्ट साइज सा, के जो वेनलेट्स निकलेंगे वो एक दूसरे के पैरले निकलते हैं और देख जैसे कि आप देख सकते हो कि सारे के सारे जो वेनलेट्स हैं वो पैरलेन निकलेंगे और इसलिए इसको बोलते हैं यूनिकोस्टेट अंडर द पैलेल वेनेशन और इसका जो एग्जाम्पल होगा ये होगा काना इंडिका का ये फ्लावरिंग प्लांट है और ये आपको रोट साइज में दिख जाएंगे नेक्स्ट जो वेनेशन है वो है मल्टी कोस्टेड कन्वर्जेंट और इसका जो लीफ है वो है इस तरह का लीफ दिखेगा आप देख सकते हो यहाँ पर ये मल्टी कोस्टेड कन्वर्जेंट है दैट मीन्स कि सिंगल सिंगल लीफ है सिंगल लीफ है मतलब अपेक्स इसका सिंगल है यहाँ पर आप देख सकते हो इसका अपेक्स जो दिख रहा है वो सिंगल अपेक्स दिख रहा है और इसमें जो इसका जो वेंस निकल रहा है वो यहाँ से निकल रहा है और सारे वेंस निकल के मैंने डिजिफर्स में दिखाया था उसमें जो वेंस निकल रहे थे वो बिल्कुल कहीं से भी निकले इसमें आप देख सकते हो कि जो वेंस यहाँ पर से निकल रहे हैं वो बिल्कुल एक दूसरे के पैर जा रहे हैं और एक दूसरे के साथ निकल रहे हैं अब इधर का आप देख जैसे यहाँ देख सकते हो ये वाला जो वेन है वो एक दूसरे के साथ निकल रहा है ये बीच वाला वेन एक दूसरे के साथ निकल रहा है और यहाँ पर जो ये जो वेन है वो भी एक दूसरे के साथ ही निकल रहा है दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड पैरलेल वेशन क्योंकि इसमें जो जितने भी वेन्स हैं वो एक दूसरे के पैरलेल निकलते हैं और एक दूसरे के साथ बिल्कुल निकलते हैं यहाँ पर देख सकते हो इस लीफ इस प्लांट का नाम है कुर्सलीगो लैटिफोलिया ये भी ये भी एक डेकोरेटिव प्लांट है और इसका जो वेनेशन होता है वो आता है मल्टी कोस्टेड कन्वर्जेंट के अंदर नेक्स्ट तो हमारा जो टाइप है वो मल्टी कोस्टेड डाइवर्जेंट और ये आपने ये तो बिल्कुल ही डेकोरेटिव प्लांट है और इसका आपने एग्जाम्पल देखा होगा चाइना जो चाइना पाम बोलते हैं ये है आप इसमें भी देख सकते हो मल्टी कोस्टेड है क्योंकि इसमें अलग अलग वेन्स अलग अलग निकल रहे हैं और इसमें बहुत सारे लोब्स हैं लेकिन आप देख रहे हो कि हमने मल्टी कोस्टेड जो रेटिकुलेट वेनेशन था उसमें सारे में अलग अलग लोब्स थे और आप देख सकते हो डिफरेंस दिस इज द डिफरेंस यू दि� कैन सी द बोथ इसमें आप देख रहे हो कि अगर रेटिकुलेटेशन का मल्टी कोश डाइवर्जेट है इसमें भी अलग अलग लोब्स निकल रहे हैं लेकिन इसके जो वेन्स है ना वो पैरलेल जा रहे हैं लेकिन इसका जो वेन्स है वो बिल्कुल सॉरी इसके वेन्स जो है वो रेटिकुलेट जाल की तरह निकल रहे हैं बट इट्स इसका जो वेन्स आ रहा है वो बिल्कुल एक दूसरे के पैरलेल ही जा रहे हैं देखो ये है ये है ये सारा और अलग अलग लोब्स में जा रहे हैं अलग अलग कॉर्नर फिंगर्स की तरह ये भी ये भी पैरमेट के अंदर आया है क्योंकि ये भी पाम की तरह इसका भी इफेक्ट है ये हैंड की तरह ये भी दिखता है और इसके जो अलग डिफरेंट डिफरेंट देख रहे हैं कि ये लोब्स निकल रहे हैं और सारे वेंस एक दूसरे के पैरेलल जा रहे हैं तो ये डिफरेंस है रेटिकुलेट वेशन का ये हो गया मल्टीकोस्टेड डाइवर्जेंट और ये हो गया हमारे पास पैरेलल वनेशन का मल्टीकोस्टेड डाइवर्जेंट तो इस तरह से आप देख सकते हो कि दोनों में डिफरेंस कितना है और दोनों किस तरह से एक दूसरे से अलग है नेक्स्ट मैंने आप उसके भी डिफरेंस देख सकते हो ये मैंने दिखाया था पैले फर्स्ट तेज पत्ता और ये हमारे पास था इसका दोनों में भी डिफरेंस देख सकते हो ये तेज पत्ता में यहाँ पर देख रहे हो कि दोनों इसका जो है वो अलग अलग निकल रहा है और यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसका जो है यहाँ पर ये सिंपल या देखो ये एक दूसरे के साथ ही निकलता है दैट द डिफरेंस बिटवीन द मल्टीकोस्टेट कन्वर्जेंट ये ये आप ये हो जाएगा रेटिकुलेट वेनेशन के लिए और ये हो जाएगा हमारे पास पैरल वेनेशन के लिए दोनों का जो टाइप नेम है वो सिमिलर ही है बट दोनों में डिफरेंस ये है कि ये हमारे पास रेटिकुलेट विनेशन का है और ये है पैलेल वनेशन का नेक्स्ट हम आपको देख सकते हैं यूनिकोस्टिट के बारे में भी आपको डिफरेंस दिखा दें कि दोनों में क्या डिफरेंस है यूनिकोस्टिट में मैंने ये दिखाया था एग्जांपल ये है पैलेल वेनेशन का ये है साना काना इंडिका का और इसका जो था मैंने दिखाया था ये हमारे पास था ये लीफ पीपल लीफ का तो ये है यूनिकोस्टेड ये है यूनिकोस्टेड फॉर द रेटिकुलेट वेनेशन और ये है यूनिकोस्टेड फॉर द पैरेलल वेनेशन यहाँ पर आप दोनों में डिफरेंस देख सकते हो कैसे इसमें जाल की तरह सारे वेंस निकल रहे हैं और इसमें जो वेंस निकल रहे हैं वो बिल्कुल एक दूसरे के पैरेलल ही जा रहे हैं तो इस तरह से आप देख सकते हो कि वेनेशन के थ्रू भी लीफ को डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है और कितने डिफरेंट तरह के लीव्स हैं और विनेशन के थ्रू भी हम देख सकते हैं कि कैसे इस सब सारे लीफ एक दूसरे से अलग है होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा इफ़ यू हैव एनी क्वेरी एनी एनी प्रॉब्लम देन यू कैन आस्क टू मी ऑन द कमेंट बॉक्स एंड होप यू लाइक इट प्लीज़ लाइक इट सब्सक्राइब इट थैंक यू सो मच